छिंदवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र जुन्नारदेव ब्लॉक में कन्या छात्रावास के भोजन और व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया गया था। आज फिर कन्या छात्रावास की छात्राएं भोजन में इल्लियां निकलने की शिकायत को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। जुन्नारदेव स्थित कन्या परिसर में छात्रावास अधीक्षक और प्रिंसिपल के दुर्व्यवहार, घटिया खाना और पानी की समस्याओं को लेकर आज छात्रावास की 300 से अधिक छात्राओं ने परिसर में धरना दे दिया। छात्राओं का कहना है कि उनको दिए जाने वाले भोजन में इल्लियां निकलती हैं और शिकायत करने पर प्रबंधन द्वारा कहा जाता है कि इल्लियां निकाल कर खाना खा लो। छात्राओं द्वारा पुस्तकालय में किताबों का न होने और अन्य सुविधाओं के न मिलने की भी शिकायत की गई है, लेकिन मुख्य रूप से उनका कहना था कि प्रिंसिपल के व्यवहार और खराब भोजन पर पहले कार्रवाई की जाए, विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा है। 3 हफ्ते से हमारे यहाँ पानी नहीं आया है, खाने में इल्ली निकलती है और बहुत ही कम दिनों में ऐसा होता है कि खाना अच्छा बन गया, नहीं तो नहीं बनता है। और फिर पुस्तकें भी नहीं थी और फिर छोटी मोटी मैम हमसे अच्छे से बात नहीं करती, प्रचार मैम बोलती तुम्हारी औकात नहीं है। प्रचार मैम, हमारी औकात नहीं तभी तो हम यहाँ पढ़ने आए, नहीं तो क्यों आते हैं यहाँ पढ़ने। हमारे माँ बाप की औकात नहीं तभी तो हम यहाँ पे आए हैं, नहीं तो क्यों आते। प्रिंसिपल हमसे मिलने नहीं आती, पर सिर्फ अधीक्षिका मैम तो बहुत ही कम आती है हमारे हॉस्टलों में। अगर बहुत काम पड़ गया तभी आएगी, नहीं तो नहीं आती है। नहीं, मेन्यू ही नहीं है, मेन्यू का नामो निशान ही नहीं है। कभी भी मिल जाता है, सुबह का बस टाइम है, वो उसका क्या बोलते हैं नाश्ते का बस, नहीं वो 12 बजे का है और रात का पता नहीं है, कभी भी कर देते हैं। खाना बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है, पर हमको उससे ज्यादा वो नहीं है, पर लेकिन इल्ली निकलती है उससे सबसे बढ़िया। कैसा ही होना पर इल्ली तो मत डालो। मैम बोलते हैं अधीक्षिका मैम बोलते हैं कि प्रचार मैम को बताऊंगी, पर प्रचार मैम को बताती ही नहीं है। यार खाना तो पड़ेगा, जीना है तो खाना पड़ता ही है। सब में भिंडी में इतना पानी और इतनी भिंडी कभी आपने खाया नहीं होगा। वो चीज यहाँ हम खाते हैं, ऐसा क्या बता रहे कि खाना ऐसा है कि खा के भी ऐसा लगता है हे भगवान क्या खा लें। इसलिए हर इंसान आधे से ज्यादा बच्चे खाना भी आधा पेट खाते हैं, तभी तो उनकी तबीयत खराब होती है, पेट दुखता है। ये कच्चा चावल होता है और उसमें धान इतनी होती है, एक फोर चावल खाओ तो उसमें 4 धान निकलना तो कन्फर्म है, कंकर भी निकलते हैं साथ में। सर जी, हमको प्रिंसिपल मैम नहीं चाहिए। और क्योंकि जो उनका व्यवहार हमारे प्रति है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो डायरेक्ट हमसे औकात की बात करती है और ये सब हमको नहीं पता। श्रीमती चंद्रकला सातंकर और अधिक मतलब मैम को हमने बोला क्या शिकायत था? खाने की शिकायत सर, खाने में कभी इल्लियाँ निकल जाती है, कभी 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 निकालने के लिए बोलते हैं तो हमको बोला जाता है कि इल्ली निकाल कर फेंक दो और खा लो। कौन बोलता है ऐसा? आंटी लोग भी बोलती हैं और मैडम ने भी ऐसा ही बोली थी। अभी हमारी मांग है कि अधिक यहाँ से प्रिंसिपल मैम को चेंज किया जाए, क्योंकि मैम का व्यवहार हमारे प्रति बहुत ही ज़्यादा गलत है। हमको उन्हें सर ने ऐसा बोले हैं हमको कि अभी हम भोपाल से बात कर भोपाल में किसी सर के पास कॉल करेंगे वो, और उनसे बात करके बताते हैं कि वो क्या कहें सर। और हमने भी ऐसा ही बोला है कि तब तक कि हमको उत्तर नहीं मिलेगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे। बच्चों का कुछ किताबों को लेकर के था, कुछ हमको हमारे यहाँ कुछ पानी की समस्या जारी थी और चूंकि मोटर ख़राब हो गई थी, फिर भी हमने अपना व्यवस्था तो की थी पर ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अभी हमने मोटर नई डल रही है, 1 घंटे में हमारा पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। और भोजन को लेकर के कुछ समस्याएं थी, तो भोजन की व्यवस्थाओं को भी हम उसको भी सुधार करेंगे, जहां कमियां हैं उसमें सुधार करेंगे। साथ ही साथ एक कर्मचारी की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, उस कर्मचारी को भी तत्काल उसको हटा दिया गया है। और जो समस्याएँ बच्चों की हैं उनको हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे उनको दिक्कतें ना हो, जैसे कंप्यूटर लैब को लेकर के समस्याएं थी, तो चूंकि नए कंप्यूटर सेट आए हैं हमारे पास और 2-3 दिन में हम इनको इंस्टॉल करके हम चालू कर लेंगे। और लैब को लेकर के थी तो लैब के भी कुछ सामान इक्विपमेंट्स के ऑर्डर कर दिए गए हैं, वो सामान भी आ जाएंगे तो हमारी लैब भी समय सीमा में प्रारंभ हो जाएगी। प्रिंसिपल को लेकर के कुछ बातों को लेकर के प्रिंसिपल से नाराज़ हैं बच्चे, वो भी हम लोग अब बैठ करके देखेंगे। विभागीय मामला है हमारा और संज्ञान में अधिकारियों को भी बता दिया गया है और उसको हम चूँकि इंटरनल मामला है हमारा, हम देखें कि कहाँ हमारी कमियाँ हैं, कहाँ गैप है, उसको भी ख़त्म करने का प्रयास तत्काल में। अभी जो मेरे को जो आवश्यक कार्रवाई मैं यहाँ कर सकता था वो कार्रवाई मैंने कर दी है, और जो भी कार्रवाइयाँ करनी हैं उस संबंध में मैं उच्च अधिकारियों को लिखूँगा, पत्र द्वारा उनको सूचित करूँगा। हमारा हॉस्टल में नहीं है, इसके पहले क्लब में बच्चों की कुछ समस्याएँ थीं और बच्चों ने क्योंकि सारे अधिकारी वहाँ उपस्थित हो गए थे तो उन लोगों को सारे बच्चों ने उनको समस्याओं से अवगत कराया था। यहाँ ये दूसरा
प्रकरण है, इस बात को मैं मानता हूँ कि हमारा दूसरा छात्रावास है जहाँ पर ये बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। जहाँ गैप है, कहाँ कमियाँ हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे प्रचार जो हैं और मैं मिलकर के जहाँ पर भी समस्याएं हैं छात्रावास की, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये जो समस्या, मैं कन्या शिक्षा परिषद डुनार्डे की प्राचार्य हूँ, और ये जो समस्याएं बता रही हैं सब अभी तो आपके सामने बताया, लेकिन इन्होंने ना मुझे कभी नहीं बताया समस्याओं के बारे में, ना लिखित में दिया है, ना कुछ बताया नहीं, जबकि मैं रोज़ आती हूँ स्कूल, बच्चों से मिलती हूँ, उनके खाने भी खाती हूँ साथ में सब चीज़, लेकिन ये जो समस्या है एकदम से उठी है। खाने के लिए मैंने दो टीचर हैं, उनको चेक करने के लिए लगाया है, वो है कविता गजबी और लक्ष्मी पवार, और एक गेम्स वाली टीचर है जो पूरे टाइम उन्हीं के साथ में रहती भी है और खाना भी खाती है, और रजिस्टर मेंटेन होता है हमारा कि खाने में क्या बनाए, मेनू के अनुसार खाना बनना है, सब चीज़ है पूरा। ये सारी कल नहीं है, वो कल दमुआ का, और जुन्नार्दो का, जुन्नार्दो मुख्यालय मेरा दमुआ में है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ भी आती हूँ। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।